जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो मैथ 202 जो फर्स्ट क्विज़ था डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का, उसके जो क्वेश्चन हैं आज के क्विज़ में, जैसा कि आप लोग जानते हो कि इसकी डेडलाइन जो है वो 24 दिसंबर है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये सेम क्वेश्चन होते हैं, बस ये आगे पीछे होके एग्ज़ाम में आ रहे होते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन थे, तो मैं इस वीडियो में 10 क्वेश्चन बताऊंगा और इनके आंसर्स, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ ए कंटेन्स 3 एलिमेंट्स एंड बी कंटेन्स 2 एलिमेंट, देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई बी आर। तो इसका जवाब 6 है, तो ये नीचे स्क्रीन शॉट लेते हुए ना वो थोड़ा सा नीचे चला गया, तो इसका जवाब 6 है, लास्ट है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2, अब वो कह रहा है कि इसका इनवर्स रिलेशन क्या होगा, तो a1 b2 c3, तो इसका जवाब आएगा 1 a2 b3 c एंड 4 d। तो आप इसका जो आंसर्स हैं मजीद कंफर्म भी कर सकते हैं। बेसिकली ये वीडियो, इसका मेन मकसद ये है कि आप लोग को क्वेश्चन पहले से पता चल जाए ताकि आप इनको प्रिपेयर कर लें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका जो आंसर है आर इज सिमेट्रिक, लास्ट वन है। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन, इसका वेन डायग्राम है। ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट था तो मैं उसे देख रहा था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन, वेन डायग्राम, ठीक है, नॉट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, ठीक है। बाकी सारे जो है वो रिलेशन को प्रेजेंट करते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा कंपोजिट रिलेशन सिंबोलिकली रिटन एज, अच्छा इसका जवाब जो था वो मुझे डाउट था, लेकिन ये है कि मैं यहाँ पे श्योर हूँ इसका पहला भी नहीं है लास्ट भी नहीं है, इन दोनों में से कोई है, या तो दूसरा है या तीसरा है, ठीक है। तो ये आप लोग मजीद इसको कंफर्म भी कर सकते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, द डोमेन ऑफ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज सिम्बोलिकली रिटन एज, इसका जवाब जो है ये सेकेंड ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 6 का। अच्छा जी, अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें, द रिलेशन डिवाइड्स ऑन द सेट ऑफ इंटीजर इज, ये है जी एसिमेट्रिक रिलेशन इसका बनता है क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब। अच्छा जी, अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, तो इसका जवाब जो है ये थर्ड बनता है सी, बिकॉज एफ इज नॉट डिफाइंड फॉर 5 एंड -5, ठीक है जी। तो इसके अलावा लेट आर एंड एस बी रिफ्लेक्स रिलेशन ऑन आर सेट ए, देन आर इंटरसेक्शन एस इज रिफ्लेक्सिव, ये ट्रू है, ये मैंने एक उधर से चेक कर रहा था, तो ये इसका भी मेरे पास खड़ा था, ये यहाँ पे ट्रू दिखा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो ट्रू है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो ये भी ट्रू है, ठीक है। तो ये जी हो गया आज की हमारी क्विज था, क्विज का सलूशन था। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, आप इसके मुताबिक अपने क्विज को प्रिपेयर करें, और प्रिपेयर करने के बाद वीडियो को लाइक भी कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अगली वीडियो में मिलते हैं।